अच्छा, किसी भी आदमी का नाम रख दीजिए जिसे आप देवता मानते हो। जरा इस पर स्याही लगाना। जी साहब। इस बच्चे में कलम की ताकत होगी जिसे तलवार भी नहीं काट सकती। इस बच्चे का नाम कुलभूषण है। कुलभूषण मेरे पिताजी का नाम है। पिंकी बेटे, जी पापा, मेरी कैप लेते आना। लाई पापा। गुड मॉर्निंग डैड। ऑल द बेस्ट फॉर द डे सन। मैं चला अपनी ड्यूटी पर। और मैं चला अपनी स्पेशल पुलिस ट्रेनिंग पर। भैया, दिन भर कैंटीन में बैठकर गप्पे मारते रहना। आई आई आई। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। बरखुरदार, मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग करना। और जो ट्रेनिंग आपको मिली है वैसे ही ड्यूटी करना डैड। ऐसा नहीं कि भ्रष्ट लोगों की तरह क्या कहते उसे चमचागिरी। राइट। जो कुलभूषण ने आज तक नहीं की, चाहो तो तुम भी आजमा कर देख लो। बरखुरदार, तुम कोई भी गलती करो मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। शाबाश डैड, आई लव यू। लेट्स गो सन। आपका सपना पूरा हो गया डैड, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। जीते रहो बेटे। किस शहर में अपॉइंटमेंट मिला है? शहर में नहीं, गांव में। मुझे रामपुर गांव जाना है। रामपुर? नहीं बेटे, तुम वहां नहीं जाओगे। क्यों? बेटे, रामपुर गांव बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो क्या हुआ डैड, मैं वहां जाते ही सब ठीक कर दूंगा। नहीं बेटे, तुम वहां हरगिज नहीं जाओगे। वहां तो कोई अनुभवी अफसर ही जाएगा, तुम्हारे जैसा नया रंगरूट नहीं। मैं आज ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट रद्द करवा देता हूं। फिर तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ही रद्द नहीं होगा, पुलिस की नौकरी भी रद्द होगी। समझ गया। खतरे का काम आपका बेटा क्यों करे, दूसरे का बेटा करेगा। जुल्म और अन्याय से लड़ता हुआ दूसरे का बेटा शहीद होगा, है ना डैड? बेटे, कब ड्यूटी पर जाना है? रामपुर जाने का शुभ लगन डैड को मालूम है मां। ए लड़की, चौधरी साहब का घास क्यों चरा रही है? चराने दो चौधरी साहब, हरजाना भेड़ से नहीं तुमसे वसूल करेंगे। चलो बेटी। ए ए बुड्ढे, तेरी बेटी किल्ली शंकर है। तू कहाँ और तेरी बेटी कहाँ? इसकी बीबी का जरूर कोई यार होगा। तुम्हारी माँ का कोई यार होगा, लुच्चे बदमाश कमीने। चलो बेटी चलो। ए बुड्ढे बताना, तुम्हारी बीवी का कोई यार था? गरीब की बीवी का यार नहीं होता, गरीब की बीवी का बलात्कार होता है, और बलात्कार करते हैं चौधरी जैसे बदमाश लोग। अपनी बेटी को आज तक छुपा के रखा था, हे जवान हो गई और हमको अब तक खबर तक नहीं की है। क्यों नहीं? तू चिल्ला चिल्ला के क्या बोलती थी कि हम बदमाश हैं? जानती हो बदमाशी क्या होती है? बदमाशी बहुत मजेदार चीज होती है, अभी बताते। हमारा हक तो हवेली के बाहर है, हवेली के अंदर जो कुछ होना है वो आप ही करेंगे। बच्चों, ये मत भूलो कि इसी बरस इलेक्शन भी है। हम अच्छा काम भले ना करें परंतु अच्छे काम का दिखावा तो कर सकते हैं।
मगर पिताजी, हम अपने दुश्मन को माफ नहीं कर सकते। अरे माफ कौन करता है, जब हम इस घर के मक्खियों और मच्छरों को माफ नहीं करते तो इंसानों को कैसा माफ कर देंगे। इसको सजा मिलेगी। चौधरी साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं। एक बच्ची के बयान का बुरा मत मानिए, इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया। अरे भाई, हम बुरा काम थोक में करते हैं तो अच्छा काम खुदरा में तो कर सकते हैं। जय हो चौधरी साहब की, जय हो। बेटी, देवता के पांव पड़ो, पांव पड़ो जी। उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। देखो रामई राम, बेशक हमने तुम्हारी बेटी को माफ किया, लेकिन गांव वालों को यही पता चलना चाहिए कि हमने इसको भरपूर सजा दिया। देखो, ऐसा सोचो, तुम्हारी बेटी के साथ कितने हैं हम लोग? 10। हाँ, 10। 10 लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने वाले पहले क्या करते हैं? ब्लाउज फाड़ते हैं। चलो फाड़ो ब्लाउज। अरे ज्यादा मत सोचो, नहीं तो हम ब्लाउज फाड़ देंगे। हमको ब्लाउज फाड़ने का बहुत अभ्यास है। चलो 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 चलो, शाबाश, ब्लाउज फाड़ो, फाड़ो, शाबाश। इतना फाड़ने से काम थोड़े ही चलेगा। निकालो, देखो नहीं तो ये सब मिलके पूरा कपड़ा निकाल देंगे। निकालो, शाबाश शाबाश, निकालो निकालो निकालो, चलो सब बाल बाल खराब करो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश, करो अपना पूरा हालत खराब करो। अच्छा भाई रामाई राम, अब ले जा अपनी बेटी को। देखो, जितना पवित्र यहाँ आई थी उतना ही पवित्र भेज रहा हूँ। ऐसा अनहोनी हमारी हवेली में पहले नहीं हुई। बेटी, बेटी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो बेटी, रुक जाओ। तुम लोगों को ये वर्दी कहाँ से मिली? थाने के बाहर फेंकी हुई थी। गांव में वर्दी पहनना मना है। किसने मना किया? चौधरी साहब ने। ये चौधरी साहब कौन है? चौधरी साहब गांव के मालिक है। पत्ता चल। हाँ हाँ। अरे यार मजा नहीं आया। हाँ, ये ले पत्ता चल। अरे वाह, क्या काट फेंका है तुमने, वाह। चल चल, क्या पत्ता फेंका, आए क्या बात है। कौन हो भाई, इधर कैसे आए, क्या काम है? यही कहीं पुलिस स्टेशन था ना जानी। पुलिस थाना और यहाँ
नहीं नहीं, लो सुनो, कहते हैं यहाँ पुलिस थाना था। तुम लोग कौन हो? अरे हमारी तहकीकात करने वाले, तुम कौन हो भाई? मैं इस थाने का पुलिस इंस्पेक्टर क्रांति कुमार हूँ। माफ करना साहब। यस सर। थाने की ये क्या हालत बना रखी है? हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है साहब। तुम लोगों के कसूर के बारे में तो बाद में सोचूंगा, पहले इस जगह को थाना बनाओ जल्दी। ठीक है साहब, अगर आपका हुक्म है तो कुछ दिनों के लिए इसको थाना बना देते हैं, मगर बाद में तो वही हाल होगा साहब जो अभी आपके सामने है। अभी से यह जगह पुलिस थाना है, जहां से कानून की सत्ता कायम की जाएगी और तुम लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाओगे। यस सर। मेरे रहने की जगह बताओ। आई सर, आई सर, आई सर, आई प्लीज, आई प्लीज। जगह तो है मगर वहां सामान नहीं है। जानी, पहले तुम वो मोबाइल सुपरमार्केट वाली छोकरी को ढूंढ के लाओ, सामान भी मिल जाएगा। Choi boy, choi boy, choi boy.
परेशानी? देख उधर, वो रही चलता फिरता सुपरमार्केट वाली छोकरी। नैना, थाने पर नए दरोगा आए हैं। तो क्या, ना तो वो कुछ सामान लाए हैं और ना ही हमारे पास कुछ है। बिस्तर से लेकर राशन तक चाहिए। यानी धंधा होने का चांस है। अभी दरोगा जी से मिलती हूँ। चलो चलो जानी। मैं इस गांव का चलता फिरता सुपरमार्केट हूँ। इस मार्केट की मालकिन नैना मेरा नाम। अच्छा नैना, तुम इतना सब कुछ बेचती हो, अपने लिए कुछ कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती? इन कपड़ों में क्या हर्ज है, अच्छे तो हैं। हाँ अच्छे हैं, लेकिन कुछ कम हैं। कम हैं मगर अच्छे तो हैं। हर पेशे का अपना अपना ड्रेस होता है। इस ड्रेस में तो माल ज्यादा बिकता है। एक घाघरा चोली निकालो। किसके लिए? एक लड़की के लिए। लड़की की उम्र और ऊंचाई? समझ लो उम्र भी तुम्हारी और ऊंचाई भी तुम्हारी। अच्छा, ये है और ये भी है। बोलिए आपको कौन सा पसंद है? अगर इनमें से तुम्हें कोई पसंद करना हो तो तुम कौन सा पसंद करो? मैं ये पसंद करूंगी। कितने दाम? देखो साहब, मैं वर्दी वालों से ज्यादा मोल तोल तो नहीं करती। इसका दाम 225 बोलती हूँ। 200 पर मोल तय होगा, मगर बाद में 175 में मान जाऊंगी। काट ही सही। बस बस, ये लो 25 रुपए वापस करना। लीजिए। अब इसे लेकर अंदर जाओ और पहन लो। आज के बाद अगर इन कपड़ों में देखा तो तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। हाय राम, थाने में तो कपड़े उतारे जाते हैं तलाशी के लिए। आप तो पहले अफसर हैं जो कपड़े पहना रहे हैं। चुप, जाकर कपड़े पहन लो। साहब, मैं तो आपसे सौदा करके अपने फायदे का हिसाब लगा रही थी। आपने तो ये कपड़े मुझे देकर कर्ज में डाल दिया। बस बहुत हो गया, अब इस 25 रुपए का एक तेल और एक साबुन दे दो। ये लो साहब। जानी देख, उधर देख, हमारे गांव में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। बोलो कहां से कमल? कहां से कमल? कहां से खरगोश? कहां से खरगोश? क्या करें, बच्चों के स्कूल को चौधरी ने अपना गोदाम जो बना लिया है। अरे अब तो हम पुलिस हैं, गोदाम को खाली करवा देते। हाँ हाँ चलो चलो यानी। चलो आज से बच्चों के स्कूल को खाली कर दो। अरे आज तो एकदम पुलिस की तरह बोल रहे हो। सरकारी टोपी कहां से आई, देखूं तो जरा कैसी है। ये टोपी समाज के रक्षक पहनते हैं, भक्षक नहीं। तो इनको पुलिस वाला तुमने बनाया है। ये स्कूल खाली करने में कितना टाइम लोगे? स्कूल खाली करने से क्या होता है, पढ़ने से आदमी निकम्मा हो जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। 2 घंटे में स्कूल तो खाली नहीं होगा, 2 घंटे में इस गांव को तुम खाली करोगे। नहीं। Hey, 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 hey,
इंस्पेक्टर, हमारे आदमी को पकड़ा। पकड़ा क्यों? ये तुम्हें क्यों बताऊं? आप जानते हैं हम कौन हैं? ये जानने की जरूरत क्या है? इंस्पेक्टर, हम चौधरी साहब के बेटे हैं। ये चौधरी कौन है भाई? इनको बताना पड़ेगा चौधरी खानदान क्या है। अगर चौधरी खानदान के बारे में इन्हें पता चल गया तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर हम बता दें कि हम कौन हैं, तो तुम सबकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इससे पहले कि हम बताएं, तुम सब यहां से दफा हो जाओ। हम अपने आदमी को यहां से लिए बगैर नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाओगे तो तुम सबको भी हवालत में बंद कर दूंगा। तब तो इसके बारे में पिताजी को बताना ही पड़ेगा। पिताजी, हम भाइयों ने आपको कितना समझाया कि गांव में पुलिस थाना मत खुलने दीजिए, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी। पिताजी, आपने फोकट में उनको जमीन भी दी और थाना भी खुलवा दिया। तो क्या बुरा किया? उस सरकारी थाना हमारा गोदाम है, पुलिस की जीप हमारा माल्ट होती है, थाने के सारे सिपाही हमारे वॉचमैन है। हम अच्छा बुरा जैसा चाहे करते हैं। ना हमरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है, ना FIR बनती है, और ना ही पुलिस की फाइल में हमारा नाम है। ये बीते दिनों की बात है, आज की बात नहीं। क्यों, आज क्या हुआ? आज हमारे गांव का सूरज पूरब से नहीं, पश्चिम से निकला है। पिताजी, आपका वो गोदाम आज पुलिस थाना बन चुका है।
जिसमें एक हवालात भी है। हमारा माल ढोने वाली जीप पुलिस की जीप बन चुकी है, जिसमें हथकड़ियां लटक रही हैं, और हमारे वॉचमैन पुलिस की वर्दी पहन चुके हैं। लेकिन ये सब कायाकल्प हुआ कैसे? थाने में का कोई देवदूत आया है? देवदूत नहीं आया है, एक थानेदार आया है जिसकी टोपी पर लिखा है सत्यमेव जयते। जरा सोचिए पिताजी, अगर हमारे गांव में सत्य का राज यानी कानून का राज आ गया तो हमारा क्या होगा? आखिर हुआ क्या है? हमारा आदमी पकड़ा गया, उनको हवालात में डाला गया और हमें धमकी दी गई, वो भी गालियों के साथ। मजा आ गया। आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई सिर हिंदुस्तान आया है जिससे हमारे चारों बेटे एक साथ खौफ खाए हुए हैं। हम उस माई के लाल से मिलना चाहता हूं। तो क्या मैं उसे अपने घर बुला लूं? नहीं, घर तो हम सिर्फ दुश्मन को बुलाता हूं वार्निंग देने के लिए। दोस्ती की तलाश में तो हमें खुद उसके घर जाना चाहिए। उस ऑफिसर में हमारा दोस्त बनने की काबिलियत नजर आ रही है। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, ठीक है? जी सर। कहो इंस्पेक्टर, हमारे गांव में कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुमको? आपकी तारीफ? तारीफ तो आपकी होनी चाहिए इंस्पेक्टर। आंधी तूफान के आने की खबर तो पहले से लग जाती है, मगर तुम्हारे आने की खबर तब लगी जब सारा गांव हिल गया। हमारा नाम चौधरी जगन्नाथ लाल राय है, हम यारों का यार हूं और दुश्मनों का? दुश्मनों का तो अभ्यास ही नहीं है हमको, क्योंकि जब भी कोई हमसे दुश्मनी करने की सोचता है बेचारे की उम्र खुद ही कम हो जाती है। ये हमारा आदमी है, चलो उठो छोड़ दो इसको। पुलिस की नजर में ये सिर्फ एक मुलजिम है और कुछ नहीं। हमारे आदमी को छोड़ दो। पुलिस सिर्फ पकड़ने का काम करती है, छोड़ने का काम अदालत का है। आप बस के रिश्ते को अदालत में काहे ले जाते हो? कौन सा रिश्ता? देखो इंस्पेक्टर, हम अच्छी तरह से जानता हूँ बहुत से अफसर अपना रेट बढ़ाने के लिए शुरू में बड़ा कड़क रोक अख्तियार करते हैं। तुमको ये सब करने का जरूरत नहीं, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा। बस हमसे दोस्ती बना के रखो। हमारी दोस्ती? आपकी हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती चौधरी साहब। आग और पानी की दोस्ती कभी हुई है क्या? चौधरी साहब, पानी आग के बराबर गर्म क्यों ना हो जाए, आग को बुझाई देता है। बिन भय होए न प्रीत, जो हमसे दोस्ती ना ही करते जिंदगी पर हमारी गुलामी करते हैं। तो तुम हमरे आदमी को नहीं छोड़ोगे? नहीं, चौधरी खाली हाथ जाने के लिए नहीं आता। हमरे एक हाथ में दोस्ती है तो दूसरा हाथ में जमानत का कागज दिखाओ इनको। राम सिंह। यस सर। इसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे और बार बार मिलेंगे।
मामा ये लो खाना। मेरे घर को तू बर्बाद करके छोड़ी, चावल भी बनाया और रोटी भी बनाई, मेरे सब पैसों का सत्यानाश कर दिया, इसलिए मैं तेरे को चार आदमी को बेच दिया। मामा, आपने हमको बेच दिया? तू क्या जन्म भर कुंवारी रहेगी? मैं तेरी शादी तने करूंगा। शादी? वो भी चार के साथ? चार के साथ बात करूंगा, तब जाकर एक के साथ होगी। उनसे आपने पैसे लिए हैं ना? दहेज लिया हूँ। बेटी का दहेज? तो क्या, लोग अपने बेटों का दहेज लेते हैं, मैंने अपनी बेटी का दहेज लिया, इसमें क्या बुरा किया? आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, कभी नहीं। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, अगर तू नहीं मानेगी वो लोग पुलिस के साथ आएंगे। अरे रे रे, अरे चारों आदमियों से कैसे एक लड़की शादी कर सकती है? साहब, हमें तो अपना रुपया निकालना है। साहब, हम चारों उससे शादी करेंगे। साहब, हम सबके साथ एक एक हफ्ता रहेगी, बारी बारी। वाह वाह, कितना अच्छा और पवित्र ख्याल है आप लोगों का। साहब, ये चारों एक लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते ना, मगर एक लड़की चारों से शादी कर सकती है, इसलिए मैंने नैना को इन चारों को बेच दिया। नैना? तुम लोग नैना की बात कर रहे हो? तुम लोग सब के सब बेशरम और बेवकूफ हो। कहां वो फूल सी नाजुक खूबसूरत लड़की और कहां ये बुड्ढे खूसट। अरे तुम्हारे तो एक एक पांव भी कब्र में जा चुका है, तुम तो उस लड़की के ससुर होने के लिए भी बूढ़े हो चुके हो। यानी कि हमारे रुपए डूब गए? अबे बुड्ढे, शुक्र करके हवालात में बंद नहीं कर दिया, चल जा, चल। ओए, तुम लड़की के मामा हो? जी। असली मामा? जी, सगा मामा। मामा का मतलब जानते हो? मामा, दो माँ के बराबर। तुम तो कसाई लगते हो। कसूर मेरा नहीं है सरकार, सारा कसूर दारू का है, मुझे माफ कर दो। चलो हट। साहेब, ओ पुलिस साहेब, पुलिस वालों का कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी कहीं भी फेंकते हैं। पुलिस की वर्दी में कुछ तो है, कुछ लोग इससे डरते हैं, कुछ इसकी इज्जत करते हैं, मैं भी देखती हूँ। एक तो। तुम? हाँ साहेब। ये मेरा ड्रेस क्यों पहना? अच्छी लग रही हूँ ना? अरे अच्छी की बच्ची, ये खाकी क्या चीज है जानती है? जानती हूँ, खाकी पहनते ही हफ्ता वसूली करने को जी चाहता है। ए, कपड़े उतारती है कि नहीं? खाकी की इज्जत करना हमारा काम है, बिना घुस लिए कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुम्हें पुलिस वाला ढंग से समझाना होगा। अरे नैना, 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 नैना। धीरे से ही तुझ था, ये क्या हो गया तुम्हें? साहब, साहब, अब मैं क्या करूं? साहब जी, साहब। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? साहब, पता है हमारे इलाके में एक लड़की गायब हो गई है और उसकी इज्जत खतरे में है। तो जाओ, खोजो खोजो, पूरे घर की तलाशी लो, मैं कपड़े पहन के आता हूँ, जाओ। अच्छा साहब, साहब अभी क्या है यार? पानी मिल सकता है? ये पानी पीने की जगह है, चौपाल में जाओ, वहां चापाकल लगा हुआ है, दबाओ और पानी पियो, चलो। जी सर। कमाल है यार, हर बार पुलिस वारदात के बाद आती, यहां पहले आ गई। अब मैं ये ड्रेस कैसे उतारूं? Thank you.
अरे वाह, होश में आ गई। तुमने मेरे कपड़े उतार दिए? अरे तुम्हारे किधर भाई, मेरे हैं। यानी कि तुमने सब देख लिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी आंखें बंद थी। हाय राम, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। इसने पुलिस ऑफिसर होकर एक अकेली लड़की के साथ क्या किया, मैं सबको बता दूंगी। क्या गारंटी है कि तुम्हारी आंख बंद थी? अरे भाई, गारंटी है, मेरी दो आंखें बंद थी तो मुझे कैसे मालूम होगा। नहीं, अच्छा बंद थी तो फिर से करके दिखाओ। अरे नहीं, फिर से कैसे कर सकता हूं? मैं तो जाके सबको बता दूंगी। नहीं 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 नहीं, देखो बता, तुम ऐसा करके, मैं ऐसा करके, फिर ऐसा। आप ये तूने खड़ी कर दी, क्या मुसीबत ये तूने खड़ी कर दी, क्या मुसीबत ये तूने खड़ी कर दी। दूर कैसे करूंगा तेरी सर्दी, ओ मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी, मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी। मुसीबत ये तूने खड़ी कर दी, दूर कैसे करूंगा।
मुसीबत ये तूने खड़ी कर दी। मैंने माँ को कभी जिंदा नहीं देखा। सारी जिंदगी वो अपनी मौत का इंतजार करती रही। वैसे भी वो आपसे बहुत नाराज रहती थी और हम चारों भाइयों से भी बहुत दुखी थी। एक बार माँ ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे चारों बेटों की जिंदगी चार धामों की तरह तीर्थ बन जाए, एकदम पवित्र, एकदम उज्ज्वल। हमारे माइंड में भी एकदम पवित्र आइडिया आई है। तुम्हारी माँ को तीर्थ व्रत, भजन कीर्तन, पूजा पाठ में बहुत लगन था। क्यों ना उसे बारात घर के यहाँ ही दफना दिया जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ा पुण्य होगा। पुण्य कितना होगा ये हमको नहीं मालूम, मगर फायदा जरूर होगा। बारात घर की 15 एकड़ जमीन बहुत अच्छी है। बहुत बरसों से हमारी निगाह थी उस पर। पहले हम वहां तुम्हारी माँ की समाधि बनाएंगे, फिर आसपास गार्डन बना देंगे, फिर बाउंड्री देके ट्यूबवेल लगाकर कब्जा कर लेंगे। बेचारी तुम लोगों की माँ बहुत दहेज लेकर आई थी, आज मरते मरते भी कुछ देकर जा रही है। उसकी लाश का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। चलो बच्चों, अर्थी उठाओ। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम राम नाम सत्य है, 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 राम हमरी अर्थी काहे रोकती इंस्पेक्टर? ये गलत रास्ते पर जा रही है। इस सही रास्ते पर जा रही है। सामने ही बारात घर है। मुर्दे बारात घर नहीं, शमशान जाते हैं। उसे मुर्दा मत कहो इंस्पेक्टर, वो देवी थी। देवी? बेशक, इसमें क्या शक है। जिस औरत ने जिंदगी भर तुम जैसों के साथ निभा किया हो, वो जरूर देवी कहलाने के काबिल है। हमारे रास्ते से हट जाओ इंस्पेक्टर। हट जाऊंगा चौधरी, पहले तुम्हें सही रास्ता तो दिखा दूं। हमसे मत टकराओ इंस्पेक्टर, हम बहुत दुखी हूं। हमें बारात घर जाने दो। बारात घर तुम क्यों जा रहे हो चौधरी? मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो तुम हमसे टकराने आए हो। बेटो, अगर तुम लोगों की माँ की समाधि यहाँ नहीं बनेगी तो ये बारात घर भी यहाँ नहीं रहेगा। तोड़ दो इस बारात घर को। ये, ये! अपनी अम्मा की लाश को लेके बारात घर में घुस जाओ। मौका सही है।
लड़ने दो, लड़ने दो। चौधरी, अभी भी वक्त है अर्थी, उठाओ वरना। ये तू नहीं बोल रहा, तेरा बंदूक बोल रहा है। 35 बरस से हम इस गांव का सरपंच है, तुमसे और इन गांव वालों से कैसा निपटना हमको अच्छी तरह मालूम। चलो बेटो। पिताजी, ये साले गांव वाले बहुत हरामखोर हैं। हमारी सुन के अगर कल फसाद कर दी होती तो पुलिस उसमें उलझ गई होती और अब तक वहां हमारी मां की समाधि बन गई होती। पिताजी, ये सारे का सारा दोष गांव वालों का ही है। इन गांव वालों से तो हम जरूर बदला लूंगा। इनको जगह जमीन से बेदखल करके इनको दर्दा का भिखारी बना दूंगा, क्योंकि ये साले नहीं जानते लोन की जिस रकम से हमने अपने लिए मवेशी जानवर खरीदे हैं वो लोन दरअसल इन लोगों के नाम है। अभी या तो ये लोन की रकम चुकाएंगे या फिर कुर्की और नीलामी बर्दाश्त करेंगे। हो रही है। क्यों? गांव वालों ने भैंसे खरीदने के लिए जो बैंक से लोन लिया था वो लोन लौटाने का म्याद खत्म हो चुका है। हमने कोई लोन वो नहीं लिया। ये सब झूठ है। आज 15 अगस्त के दिन ही हम पर जुल्म ढाया गया है। कोई है जो हमें पूरी बात बताए? मैं बताती हूँ। बैंक ने लोन दिया, उस लोन से मवेशी खरीदे गए, लेकिन एक भी मवेशी हम गाँव वालों को नहीं मिला। सब के सब उस चौधरी के हो गए। सब समझ गया मैनेजर साहब। हमने गाँव वालों के बयान को FIR मान लिया है। आप हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, पहले गांव वालों को उनके मवेशी दिला दूं, फिर आपका लोन भी मिल जाएगा। ठीक है गांव वालों, जिन जिन के नाम लोन है और मवेशी नहीं मिला वो चोरी का FIR लिखा है। किशन लाल। यस सर। तुम लोग चौधरी के हाथे में जाओ और चोरी के मवेशियों को कब्जे में ले लो। जो भी कानून के आगे आए उसे ठिकाने लगा दो। यस सर। ये भी अरे सभी जानवर यहाँ है। हाँ जाने, ये सब अपने गांव वालों के हैं। आएंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ आओ आओ हवलदार, क्या खबर लाए हो? आपके नाम FIR है। FIR? अच्छा, कौन ना भागा है जो हमरे खिलाफ FIR लिखाया है? सारा गांव। सारा गांव? इल्जाम का लगाए हैं? चोरी। बैंक लोन से गांव वालों ने जो मवेशी खरीदे थे वे सब के सब 15 अगस्त 1997 को चोरी हो गए, और चोरी के तमाम मवेशी इस वक्त आपके हाथे में मौजूद पाए गए, जहां पुलिस का पहरा लग चुका है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर आके हमारी चीजों पर कब्जा करे? सर, इस वक्त हम पुलिस की ड्यूटी पर हैं, इज्जत से बात कीजिए। तुझे जद्दू, तुझे जद्दू, एक खाकी वर्दी पहन के
तू बड़ा पुलिस वाला बन गया है। तेरा ये वर्दी साले हमारा जूता साफ करने के काम में आता है, समझा चौधरी? ये हिम्मत हमारा नाम लेता है, हट। अब जाके तुम्हारे इंस्पेक्टर से बोलो चौधरी से टकराने का अंजाम। जाओ। उसने तुमको मारा? यस सर। उसने तुमको नहीं मारा, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर मेरा मेजरमेंट लिया है। चलो आज अगर हम झुक गए तो कानून हार जाएगा। चलो भाइयों थोड़ी सी अय्याशी की जाए, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आ जाओ आ जाओ। तुमने पुलिस को मारा? मारा नहीं बल्कि मारने का मुहूर्त किया। इस साला हमारे खिलाफ सरकारी गाली लेकर आया था। उसने अपनी ड्यूटी की थी। तुम्हारा ड्यूटी अगर तुम्हें शेर की मान में ले आएगा तो शेर के खूनी पंजों का इनाम तो तुम्हें मिलेगा ही। शेर है तू? कोई शक? मुझे इस गांव में आए हुए एक महीना हो चुका है और तू अभी तक अपनी पीठ से शेर की खाल उतारा नहीं। किशनलाल। यस सर। इधर आओ। इसने तुमको मारा है ना? यस सर। अब तुम भी एक तमाचा खींच कर जड़ दो। याद रहे तमाचा पुलिस मॉडल का होना चाहिए ताकि इसकी फसादी खोपड़ी झंझना जाए। कैसा लगा चौधरी? दिमाग में कुछ रोशनी आई? अब फिर कभी पुलिस वाले पर हाथ उठाओगे चौधरी? जब तू पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था तो हमने तुझे समझाया था कि पुलिस क्या चीज है, लेकिन वो बात तेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बार जब चिता के बहाने तूने मंदिर की जमीन हथियाने की कोशिश की थी तब भी तुझे हमने समझाया था कि कानून क्या चीज है, तब भी तुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज तो तूने सारी बाउंड्री तोड़ दी, तूने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। ये वर्दी कपड़ा नहीं है चौधरी, ये वर्दी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा संस्कार है। लेकिन यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी। सिपाहियों इसके कपड़े फाड़ो और इसे नंगा करके गांव के गलियों से ले चलो, तब जाकर शायद इसे कोई बात समझ में आ जाए। ए कुत्ता लोग का ये बताना। चल चल। अरे बनाया हुआ। अरे देखो देखो देखो। इंस्पेक्टर, हमका हवालात में बंद मत करो, हम बहुत बड़ा आदमी हूं, तुम्हारा जिंदगी को तरम बरम कर दूंगा। इंस्पेक्टर तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। तुम एक हाई वोल्टेज करंट का पोल पर हाथ रख रहे हो जिसका शॉक तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तुम।
यार कन्हैया लाल, आज कोई अच्छा शिकार नहीं मिला यार। जरूर मिलेगा साहब। अच्छा मिलेगा। साहब साहब क्या हुआ? पुलिस चौधरी साहब को पकड़ कर ले गई। ओ इंस्पेक्टर, हमारे पिताजी को छोड़ दो। इन्हें गिरफ्तार किया क्यों? ये अदालत को बताऊंगा। हमें जानने का कानूनी हक है कि हमारे पिताजी को किस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया है। गुनाह नंबर एक, बैंक के साथ घोटाला। गुनाह नंबर दो, गांव वालों के जानवरों की चोरी। गुनाह नंबर तीन, सिपाही पर कातिलाना हमला। गुनाह नंबर चार, पुलिस अधिकारी को धमकी वाला खत। बस, जो गुनाह तुम गिना रहे हो वो सब हमारे कानूनी हक हैं। कौन सा कानून? हमारे अपने कानून जो इस गांव पर लागू हैं। हमारे पिताजी को छोड़ दो। यहाँ धर्म खाते में कोई काम नहीं होता। कल अदालत में आकर जमानत करा लेना। जब हमारा बाप हवालात में होता है तो अदालत हमारी जेब में होती है। वकील साहब ये लीजिए। किशनलाल। यस सर। छोड़ दो इसे। पिताजी ये कपड़े पहन लो। कहा करेगा कपड़ा पहनकर? कहा करेगा कपड़ा पहनकर? वो इंस्पेक्टर ने हमको हिस्सा नंगा कर दिया है। अब कोई कपड़ा हमारा इज्जत नहीं ढक सकता। हम तो जन्म भर के लिए नंगा हो गया हूं। तुम्हारा बाप जन्म भर के लिए नंगा हो गया। तुम लोगों को हमरा जमानत कराने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत था हमरा जमानत कराने का? इस साला पुलिस स्टेशन का दीवार तोड़ के हमको छुड़ाया होता ना तो हमारा इज्जत बढ़ जाता था। हमरा जमानत करा के साला पूरा गांव को बता दिया कि इस जगह में कानून का राज चलता है, हमारा राज नहीं चलता। शर्म की बात है पिताजी। गाँव में अब भी आप ही का राज है। हमने जमानत इसलिए करवाई कि सरकारी कागज मिलते ही हम मानहानि का मुकदमा करके सरकार से लाखों रुपए वसूल करेंगे। आप कपड़े पहन लीजिए। पहन लीजिए ना। हट, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। पिताजी, पिताजी कपड़े पहन लीजिए। तो नहीं पहनूंगा जी। छोड़ दीजिए पिताजी। पिताजी पहन लो। थूक दीजिए पिताजी। ये निकाल दूंगा, निकाल दूं जान गया। जाओ, आपको देख रहा है, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। पिताजी पहन लीजिए। पिताजी हमारी बात सुनिए। पिताजी 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 हमारी बात सुनिए। पिताजी पिताजी आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? आप नाराज हैं उस इंस्पेक्टर से और सजा दे रहे अपने आप को। अगर आप मर गए तो किसको फायदा होगा? आपको या वो इंस्पेक्टर को? ए हमरे बेटो, ये हमरे दिल की बात सुन लो। जब तक वो पुलिस थाना मटिया मेट नहीं होगा ना तो हम कपड़ा पहनूंगा और ना खाना खाऊंगा। ठीक है तो कल फिर आपको जशन के साथ ही खाना खिलाएंगे। हमारे गांव में ना पुलिस थाना रहेगा और ना ही पुलिस। बहुत मारा। वही रुक जा इंस्पेक्टर, हिलना भी नहीं वरना ये सारे के सारे मारे जाएंगे।
ना होशियारी नहीं इंस्पेक्टर, अपनी बंदूक फेंक दो। ये सारे का सारा दोष तुम्हारा है इंस्पेक्टर। ये बेचारे तो भूल गए थे कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन तुमने इन्हें फिर से पुलिस की वर्दी पहनाई है। अगर दोष मेरा है तो मुझसे निपटो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें सजा देने के बाद। तूने मेरे बाप को थप्पड़ मारा था ना इन्हीं चमड़े के हाथों से, अब तेरे ये नापाक हाथ तेरे साथ नहीं रहेंगे। किशन, 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 मेरे भाई, मेरे सामने पुलिस के हाथ कट गए। तू मरना नहीं मेरे भाई, तू मरना नहीं। मरने का गम नहीं साहब हमको, गम है तो सिर्फ इस बात का कि आपकी इजाजत के बगैर हम अपने ड्यूटी से फरार हो रहा है। I'm sorry सर, पिताजी देखिए सारे के सारे पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए। अब आप अपने कपड़े पहन लीजिए। ना लायको, ये सब तो अभी भी कपड़ा पहने हुए हैं, तो हम कपड़ा कैसा पहनूंगा? नंगा करो इनको, उतारो इनका पैंट, उतारो अभी। छोड़ दो, अरे उन्हें छोड़ दो। पैंट उतारो इनका। नहीं, हमारा धोती लाओ। कमीज निकालो इनका, कमीज निकालो इनका। दे, हमारा कमीज लाओ। साला, नंगा किया था हमको। पिताजी जूस पी लीजिए। तू का समझता था चौधरी कौन है? हमका नंगा किया था, बहुत बहादुरी का काम किया था कुत्ता। यहाँ पुलिस का नहीं, चौधरी का राज चलता है, चौधरी का। अगर मर्द है तो खोल कर देख, औरतों की तरह बांध कर क्या मारता है? जरा चौधरी का मेडल तो लाना। मथनिया हम तो डालेंगे आग। ना ना। आग।
आइए आइए कमिश्नर। क्या हो रहा है? कोई खास बात नहीं, आपकी पुलिस ने हमारे गांव में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हमने उन्हें तगमा पहना दिया। मैं समझा नहीं। कमिश्नर साहब, हम आपको समझाते हैं। आइए आइए आइए। अपनी किस्मत समझो, मैं वक्त पर आ गया। जब से थाना खुला है सब बराबर चल रहा था, जब से तुम यहाँ आए हो लफड़ा शुरू हुआ है। तुम लोगों को मालूम नहीं कि चौधरी नीचे से लेके ऊपर तक कितना पावरफुल है। कमिश्नर साहब, अगर आपको चौधरी की दलाली ही करनी थी तो ये वर्दी उतार कर आए होते। शट अप। अगर तुम हमारे एसपी के बेटे ना होते तो मैं तुम्हें अभी के अभी डिसमिस कर देता, लेकिन मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देकर यहां से ट्रांसफर करता हूं। पुलिस तो जनता की सेवक होती है। जैसे आप चौधरी के सेवक हैं। अब अगर एक शब्द भी बोले मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा। आप जैसे निकम्मे ऑफिसर की मौजूदगी में मुझे ये वर्दी पहनने में भी शर्म आ रही है। मैंने रिजाइन किया। हम सब ने भी इस्तीफा दिया। वर्दी उतार कर तुम लोग इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। चौधरी बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ होता है वो नाराज होने पर बहुत खूंखार हो जाता है। सबसे ज्यादा खूंखार वो हो सकता है कमिश्नर, जिसके पास कुछ भी नहीं होता। गायत्री, तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? जरूर कोई बहादुरी का काम किया होगा। हाँ, बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है तुम्हारे बेटे ने। ऐसी बहादुरी का काम जो हमारे खानदान में पिछली 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया होगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हमारा बेटा रामपुर गांव भेजा गया था कानून की हिफाजत करने के लिए गायत्री, मगर वहां जाकर उसने कानून को अपने हाथ में लिया। खुद तो नौकरी से इस्तीफा दे ही दिया, बल्कि थाने में तैनात तमाम सिपाहियों से इस्तीफा दिलवाकर उसने बगावत कर दी है गायत्री, बगावत। ये सब झूठ है, आपसे किसने कहा? पुलिस कमिश्नर ने, जो आज ही वहां से लौटे हैं। मेरा सामान पैक कर दो गायत्री, मैं जा रहा हूं उसे लाने। आपको जाने की क्या जरूरत है, किसी हवालदार को भेजकर बुलवा लीजिए। नहीं गायत्री, हमारा बेटा क्रांति अपने रास्ते से भटक कर इतनी दूर जा चुका है कि अब वो किसी हवलदार के बुलावे से नहीं लौटेगा। उसे बुलाने के लिए मुझे खुद जाना होगा। आप जाएंगे तो वो और भी भटक जाएगा। भटके हुए बेटे को बुलाने के लिए माँ की पुकार की जरूरत है। उसे बुलाने के लिए रामपुर मैं जाऊंगी।
हाँ पापा, रामपुर हम जाएंगे। आप चिंता न करें, हम लोग अभी गए और क्रांति को लेकर अभी आए। चल बेटे। सुनो बेटी, क्रांति कुमार कहाँ रहते हैं? आप कौन हैं? मैं उनकी माँ। माँ जी, हाय लागू। ये कौन है? मैं उनकी बहन हूँ। बहन, बहुत अच्छी हैं आप। आओ, मैं तुम्हें पहुँचा देती हूँ। बहुत अच्छा किया। क्रांति बड़े साहब हो गए हैं, उनकी माँ को तो जरूर आना चाहिए था। ओ चाची, अरे कुसुम, देखो कौन आया है। ये क्रांति साहब की माँ है और ये बहन। धन्य है आप जो ऐसा सपूत पैदा किया। जरा हमारे घर में भी कदम रखकर उसे पवित्र कर दीजिए। आऊंगी, जरूर आऊंगी, सबके घर आऊंगी मैं। एक बात बताओ बेटी, मेरा बेटा यहाँ रहकर अच्छे काम कर रहा है ना? अच्छों के लिए अच्छा काम, बुरों के लिए बुरा काम। आप मेरी बात पे मत जाइए, खुद ही यहाँ रह के देख लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोद्धजा मंगलम पुंडी काक्षाय मंगलम तनी। अरे क्या कर रहे हो? चाहिए आप आदमी नहीं, देवता है। आप धूप चाहिए। आपके मदद से मेरी बेटी की शादी हो रही है। भगवान आपका भला करे। एक कोई बात नहीं माँ। भैया। माँ सुखी रहो। ये क्या है बेटे? माँ तुमने पांव की बेड़ियां देखी होंगी, हाथ की हथकड़ी देखी होगी, लेकिन ये नाक की नखड़ी है जिसे चौधरी ने हमें पहनाया है। चौधरी को शायद मालूम नहीं कि शेर को लगाम अच्छा नहीं लगता। बेटा, तू यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैं वही कर रहा हूं माँ जिसके लिए मुझे ट्रेन किया गया है। कानून की हिफाजत। कानून की हिफाजत? कहाँ है तुम्हारी वर्दी? वर्दी पे चमकते हुए सितारे और तुम्हारा पुलिस थाना जहाँ पे सताए हुए लोग फरियाद लेकर आते हैं? और कहाँ है तुम्हारे जाबाज सिपाही जो कमजोरों की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं? दिखाता हूँ माँ, हमारे पास पुलिस थाना भी है, लेकिन वो थाना चोरों लुटेरों और भ्रष्ट नेताओं का शरण स्थल नहीं है। हमारे पास सिपाही भी हैं, लेकिन वो किसी की मदद करने से पहले उसकी जेब नहीं काटते। हमारे पास अदालत भी है, लेकिन वहां इंसाफ पाने से पहले किसी को अपनी पूरी उम्र बितानी नहीं पड़ती। मां, हमने अपनी वर्दी उतारकर नंगों को पहना दी है। मेरी वर्दी के चमकते सितारे लोगों की चमकती आंखों में देख लो माँ। माँ, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने अपने बेटे से उम्मीद की थी। बेटा, जब मैं घर से चली थी तब मेरा मन बहुत भारी था। मैं सोच रही थी क्या हो गया है मेरे बेटे को, क्या हो गया है मेरे खून को। मैंने जो सपने अपने बेटे के साथ देखे थे उन सपनों का क्या होगा? लेकिन यहां आकर पता चला कि सब ठीक है। बेटा, मैंने यहां आने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं यहां से जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी तेरे पास और अपनी आंखों से तेरे सपने साकार होते हुए देखूंगी। सुनो 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 सुनो, ये आवाज डफ की नहीं है, ये आवाज वक्त की है। वक्त तुम सबको आवाज दे रहा है कि तुम चाहो तो आजाद हो सकते हो। चुनाव आ गया है, वोट किसको देना है अपनी जन्म जन्म की गुलामी से पूछो। वोट किसको नहीं देना है अपनी जन्म जन्म की गुलामी से पूछो। अगर इस बार भी चूक गए तो वक्त तुम्हें माफ नहीं करेगा। साहेब, ओ साहेब जी। आओ आओ बेटी। माँ जी, आप, मैं आप ही को खोज रही थी। अच्छा अच्छा हाँ।
मगर पुकार तो किसी साहब को दे रही थी। माँ जी का पता तो साहब से ही पूछूंगी ना। बेटे इस डब्बे में क्या है? बड़ी सुगंध आ रही है। ये आपके लिए मछली बना कर लाई हूँ। मेरे लिए? अच्छा अच्छा। इस मौसम में मछली कहाँ पा गई? नदी गई थी नहाने, सोचा दो चार मछली पकड़ लूं, तो पकड़ लिया। क्यों, मैं मछली नहीं पकड़ सकती? क्यों नहीं, तुमने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ठहरो ठहरो, तुमने अपने हाथ से मछली पकड़ी, अपने हाथ से पकाई, तो अब अपने हाथ से खिला के जाओ। किसको? अपने साहब को। आपको कैसे पता चला मैं साहब के लिए लाई हूँ? इसलिए कि मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी। ये क्या है? ये हमारे परिवार का एल्बम है। तुम एल्बम समझती हो? एल्बम का मतलब है फोटो के जरिए परिवार का कैलेंडर। ये कौन है? ये मेरे नाना जी, और ये मेरी नानी, और ये मैं, और ये है मेरे भैया के बचपन की फोटो। गाल है तेरे गालों पे ये दिल है, चिकने चिकने गाल है तेरे गालों पे ये दिल है, तिरछी नजरें तीर चलाए मुश्किल में ये दिल है। चिकने चिकने गाल है मेरे गालों पे ये दिल है, ¡Gracias!
नशा है हल्का हल्का, दीवाना कर देगा तेरा आंचल ढलका ढलका। इस ईयर से हमको इलेक्शन जीतने का अभ्यास है, क्योंकि हम जनता से वोट मांगता नहीं हूँ, बल्कि खुद ही उनका वोट बैलेट बॉक्स में डिपॉजिट कर देता हूँ। पिताजी, इससे पहले के चुनाव एक तरफा होते थे, चुनाव से पहले ही आप जीत जाते थे, मगर इस बार आपके खिलाफ वो जनता का लीडर खड़ा है। जनता का लीडर? हमारे गाँव में इंस्पेक्टर बनकर आया था, उसकी नौकरी जाती रही, अब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी जान जाएगी। अब उसके साथ जो भी करना होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा, वरना चुनाव रद्द हो सकता है। हम लोग आज से ही चुनाव का प्रचार शुरू कर देते हैं। शाबाश बेटे, चुनाव प्रचार यानी के धमकी और सख्त वार्निंग। वोट हमको दो, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। नमूने के तौर पर तो पिताजी, आज हम उन लोगों की पिटाई करेंगे जो हमारे विरोधी का प्रचार कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम मेरे बेटो। सब औरतें लाइन लगा के एक एक साड़ी ले लो और साथ में 100 रुपए भी। साड़ी और रुपया किस लिए? चुनाव जीतने की खुशी में। मगर चुनाव तो कल होगा। चुनाव कल हो या परसों, लेकिन चुनाव हम लोग ही जीतेंगे और हमारा ये हुक्म है कि वोट हमको ही मिलेगा। हो सकता है तुम में से कई औरतों को हमारा ऐलान मंजूर ना हो और वो हमें वोट देना ना चाहे, कोई बात नहीं, उनके लिए भी हमारे पास एक साड़ी है, ये सफेद साड़ी, और ये साड़ी इतनी लंबी है कि ये उनके विधवा होने पर भी काम आ सकती है और उनके पति के कफन के काम भी। जो जो औरत सुहागवती बने रहना चाहती है वो ये लाल साड़ी ले ले, और यही साड़ी पहनकर उसे कल वोट देने आना है, ताकि उसे याद रहे वोट किसे देना है, गलती ना हो। आओ साड़ियां ले लो, आओ। क्यों साड़ी नहीं लेगी? ये आपके 100 रुपए सुहागन बनने से पहले ही विधवा बना देंगे। चुपचाप साड़ी ले ले और कल जाके वोट दे देना, समझी? वरना उस सीरो को तो हम मार ही देंगे और साथ में तेरे मामा को भी जिंदा गाड़ देंगे। अरे तू हंसी क्यों? साड़ी का रंग तो खतरे का रंग है, लाल रंग। खतरे से बचना, कल चुनाव है। तो बेटो इतना हुआ कि गांव के मर्दों को दारू पिलाओ, खूब दारू पिलाओ, इतना दारू पिलाओ कि उनको सुबह वोट डालने का होश ना रहे। मर्दों का जितना कम वोट डलेगा उतना हमको फायदा है, क्योंकि औरतों का वोट तो हमको मिलेगा ही। पिताजी, मैंने बसंती को भी नाचने के लिए बुला लिया है। अरे तो बहुत अच्छा किया, नचाओ उसको रात भर, नचाओ। वो नाचेगी रात भर, नाचेगी।
आप चौधरी साहब को वोट दें। अरे लेना, ये सारी औरतों ने हमारी साड़ी पहन रखी है। देखा, इन सारे मर्दों ने हमारी शराब पी रखी है। चौधरी साहब, चौधरी साहब। यार गांव की सभी औरतों ने चौधरी की इतनी साड़ियां पहन रखी हैं। यार मुझे उम्मीद नहीं है कि क्रांति साहब को वोट मिलेगा। लगता है इस बार भी चौधरी ही जीतेगा। भगवान इस गांव को बचा। कृपया ध्यान से सुनिए, रामपुर पंचायत के प्रधान के चुनाव में श्री क्रांति कुमार को विजयी घोषित किया जाता है। दारू हमरा पिया और वोट उसको डाला, साड़ी हमरा पहना और वोट उसको डाला। एक दिन का वोटिंग ने हमरा 35 साल का राज को हिला दिया। पिताजी, साड़ी देने का प्लान आप ही ने बनाया था, दारू पिलवाने का प्रोग्राम भी आप ही का था, वरना हम तो हमेशा की तरह बूथ पर कब्जा करके सारे के सारे वोट खुद ही डाल देते और उनके भी जो मर चुके हैं। सारी रात ही गांव वाले खुशी मनाते रहे। ये खुशी उनकी जीत की खुशी नहीं थी बेटा, ये खुशी हमारी हार की खुशी थी। उस दूसरे कुत्ते हमारी हार का जश्न मनाते रहे बेटा। उनकी खुशी को हम गम में बदल देंगे। उन्होंने रात खुशी में मनाई है, अब दिन गम में बिताएंगे। जाओ जाओ, यहां खड़ा रह के हमको झूठा तसल्ली मत दो। अपना साड़ी सबके बदन से उतारो, नंगा कर दो सबको नंगा। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। तुम सबकी इतनी हिम्मत, हमारी दी हुई साड़ी पहनी और वोट उसको देकर जिताया। जिसको जीतना था वो जीता है। तब तो तुम लोगों को हमारी साड़ी पहनने का हक नहीं। निकालो साड़ी। तुम्हारी साड़ी हमारे किसी काम की नहीं है, घर जाके भिजवा देंगे। घर जाकर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ तुम्हारे सामने साड़ी उतारे क्यों नहीं? तुम सब गांव वालों ने मिलकर हमारे साथ में चीटिंग बाजी की है, इसलिए हमारी दी हुई ये साड़ियाँ तुम्हें यही उतारनी होगी, वरना हम खुद उतार देंगे। छोड़ छोड़ दे हमें, कहाँ ले जा रहा है? क्या कर रहा है? देखो साहब, छोड़ ना हमें। देखो साहब, मैं किसको लेके आया? कौन है ये? ये क्रांति कुमार की माँ है और ये बहन। बहुत अच्छा किया जो इनको पकड़ के लाया। अरे शैतानों, इनको क्यों पकड़ा है? इन्होंने तो वोट नहीं दिया है। दिया नहीं तो क्या हुआ, दिलाया तो है। मैं कहती हूँ छोड़ दो इनको। वही हाल होगा जो दुशासन का होगा। द्रौपदी को बचाने तो भगवान कृष्ण आए थे, तुम्हें बचाने कौन आएगा?
आरती को कांधा देने के लिए चार चार बेटे मौजूद हैं। अब दो दो आरती हमारे कांधे पे। ए साला, हमारे बेटों को मारने वाला अभी तक जिंदा है। मैं अपने बेटों की लाश की कसम खाता हूं, जब तक उस कातिल की लाश नहीं उठेगी मैं अपने बेटों का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। जाओ गांव में तबाही मचा दो, आग लगा दो। रामपुर में आतंकवादियों ने जिस तरह इंसानों का खून पानी की तरह गंदी नालियों में बहाया है, उसके बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। यस सर। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है सर, कि इंसान इंसानियत छोड़कर शैतान बन चुका है। इन शैतानों को खत्म करने के लिए ही देश को पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत है। इस कहानी को शुरू आतंकवादियों ने किया है, लेकिन इसे अंजाम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट देगा। एसपी कुलभूषण। यस सर। तुम्हें आज ही रामपुर जाना होगा। राइट सर। कुलभूषण का अर्थ होता है कुल का भूषण। हमारे लिए ये हमारा डिपार्टमेंट ही हमारा कुल है, और मेरी नजर में तुम इसके भूषण हो। तुम्हारे बेटे का नाम भी आतंकवादियों से जुड़ा है। अब हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत रखना तुम्हारे हाथ में है। सर, जिस दिन मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, मैंने सबसे पहले रिश्तों और जज्बातों की आहुति दी थी। आई फील प्राउड ऑफ यू। जी, यहाँ आकर पिकनिक मना रही हो? कहाँ है तुम्हारा बेटा? आप चलिए, सब बताते हो। तुम क्या बताओगी? चौधरी के घर के बाहर उसके दो दो बेटों की लाशें सब कुछ बता रही है। अपने बेटे के बारे में लाशों से मत पूछिए, जरा गांव में चलकर जिंदा लोगों से पूछकर देखिए।
पापा, वो लोगों के लिए देवता बन चुका है, सिर्फ मंदिर बनना बाकी है। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त दे रहा हूँ गायत्री, अपने उस देवता बेटे से जाकर कहो कि वो कानून के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, जो काम तुम नहीं कर सकती वो मेरी सरकारी गोली कर देगी। आप जन्म भर पुलिस वाले ही रहेंगे या कभी समझदारी की बातें सुनेंगे और समझेंगे भी? आप गांव में जाकर किसी भी आदमी से, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, किसी से भी पूछकर देखिए कि आपके बेटे ने यहाँ आकर क्या किया है। उनकी बातें सुनकर आपके ललाट पर अभिमान का सूरज निकल आएगा कि आप उसके बाप हैं। हर गुनहगार बेटे के पीछे जरूर तुम्हारी जैसी किसी माँ का हाथ होता है, जिसे अपने बेटे का कोई भी गुनाह नजर ही नहीं आता। और हर गुनहगार बेटे के पीछे आप जैसे किसी बाप का हाथ होता है, जिसे अपने बेटे में कोई अच्छाई ही नजर नहीं आती। गायत्री, मुझे किसी की वकालत की जरूरत नहीं। मैं क्रांति के लिए हथकड़ी लेकर आया हूँ। या तो तुम्हारा बेटा हथकड़ी पहनेगा या फिर तुम्हारा पति कफन। क्रांति, क्रांति, तुम जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। क्रांति, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सिपाहियों, आओ मेरे साथ। कुछ लोग इस तरफ जाओ, बाकी लोग इस तरफ। ओके सर। मैंने तुम्हें रामपुर गांव का पुलिस ऑफिसर बनाकर भेजा था। मैं अभी भी रामपुर का पुलिस ही हूं, सिर्फ वर्दी नहीं पहनी है। तो फिर वर्दी क्यों उतार दी? अत्याचारी से अपनी नाक न थपाकर यह वर्दी पहनता तो पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान नहीं होता। चौधरी के 2-2 बेटों को मार दिया, उसे पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान नहीं हुआ? आपको सिर्फ यह मालूम है डैड कि चौधरी के 2 बेटे मार दिए गए। आपको ये नहीं मालूम कि क्यों मार दिए गए। मालूम है, मगर तुमने गांव में राइड्स क्यों करवाया? राइड्स उसने करवाया, इसके पास बिना लाइसेंस का हथियार था, बाड़े के कातिल थे। बेचारे गांव वाले क्या राइड्स करेंगे जो खाली हाथ हैं? अगर उन्होंने राइड्स करवाए थे तो तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? मदद मांगी थी, मदद तो नहीं मिली, ट्रांसफर ऑर्डर मिला। और तुमने उस ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं माना बल्कि बगावत कर दी। क्या करता मैं? बेचारे गांव वालों को मौत के मुंह में छोड़कर हम अपने आप को वहां से ट्रांसफर करा लेते। ठीक है ठीक है, तुम कानून के सामने सरेंडर कर दो। सिर्फ सरेंडर नहीं डैड, अगर मेरी लाश भी आपकी कामयाबी की ट्रॉफी बन सके तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी नहीं। अभी वो अत्याचारी जिंदा है। आई एम सॉरी, You are under arrest. Dad, move. Ruk jao bete. Fire!
रुक जाओ क्रांति। कहाँ है वो क्रांतिकारी जिसे आप गिरफ्तार करने गए थे? दरअसल आप उसे गिरफ्तार करने गए ही नहीं थे, आप गए थे अपने बेटे से मिलने के लिए। क्या आप इनकार कर सकेंगे कि आपका बेटा आपको मिला नहीं था? क्या आप इनकार कर सकेंगे कि आपका बेटा आपके सामने से भाग गया और आपने अपनी पिस्तौल से एक झूठा फायर तक नहीं किया? क्या आप इनकार कर सकेंगे कि जब आप अपने बेटे से मिले तो आपने बाकी का पुलिस पार्टी को दूर भेज दिया? चौधरी, मेरे लिए ये कतई जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करूं। मैं क्रांति को अरेस्ट करने इसलिए नहीं गया था क्योंकि तुम उसकी तलाश कर रहे हो। क्रांति को अरेस्ट करने का फैसला कानून का है और कानून अपने वक्त के मुताबिक अपनी कार्रवाई करेगा। हट, हम कानूनी कार्रवाई का इंतजार नहीं करता हूं, हम खुद अपना कार्रवाई शुरू करता हूं। एसपी, हम तुमको अभी गिरफ्तार करता हूं। चौधरी, मैं समझ रहा हूं तुम बहुत दुखी हो। दो दो बेटों की मौत ने तुम्हें बहुत दुखी कर रखा है। तुम बौखला गए हो इसलिए तुम कभी भी कुछ भी बोलते रहते हो। गिरफ्तार कर लो इसको। ऐसा खतरनाक काम कभी मत करना चौधरी। मैं सरकारी आदमी हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट यहां आ जाएगा। नहीं, सारा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, एक ही है जिसका हमको तलाश है, तुम्हारा बेटा। और अब वो यहां जरूर आएगा। बांदर से जहां इसका बीवी और बेटी बंधा है। चौधरी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिनको तैरना भी आता है वो भी तेजाब के कुएं में नहीं उतरा करते। हम चाहता हूं जब तुम्हारे बेटे को तुम लोगों की लाश मिले तुम्हारे शरीर के हर घाव में सजा की मोहर हो, उन गुनाहों की जो तुम्हारे बेटे ने किए हैं। क्रांति, क्रांति। Go!
मेरा काम हो गया डैड, यू कैन अरेस्ट मी नाउ। बेटे, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें चार्जशीट करने पर मजबूर हूं, मगर मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा ये पिता इस केस में तुम्हारा चश्मदीद गवाह जरूर बनेगा। थैंक यू डैड। तुम लोग अपने आंसुओं से मुझे रोको मत, मैं फिर आऊंगा। और भी बहुत रामपुर हैं, और भी बहुत अत्याचारी हैं, उन सब से हमें निपट लेने दो। जय हिंद। जय हिंद।